गाइस गीतांजलि मल्ली वचिंदी तेलुगु मूवी का ट्रेलर आया है, आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग सी लगी तो आइए देखा जाए, फिर बात तो करेंगे ही। 1, 2 एंड 3 ओपन चेस्टे अंजलि अर्धरात्रि ఒంటి గంటకి నువ్వు డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నావు కానీ నీ పక్క నుంచి ఎవరో ఏడుపు వినిపిస్తా ఉంది। ఈ ఏడుపు హారర్ మూవీ ఏ నీకు అనుమానం వచ్చి నువ్వు ఆ ఏడుపు వస్తున్న వైపు తెల్లగా నడుచుకుంటున్నావు। एवरेज था। ओ कोई बात नहीं, वो ड्रीम के सीन, वो वाइट के सीन, वो सब के सीन, ये सीन अंदर का सीन जितने स्क्रीन सीन को अच्छा मूवी बना रहे हैं हॉरर पैलेस में, हॉरर मूवी बना रहे होंगे ये लोग। और इसी में होगा खेल असली। भाई साहब ओइजा बोर्ड को जो मजाक समझता है ना, कांचना जो फर्स्ट है ना उसी से मतलब मिलता जुलता स्टोरी लग रहा है। कॉमेडी होने वाली है, हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का। डर से ज्यादा तो मुझे हंसी लगी गाइस, हंसी आई लेकिन सही है फिर भी। गाइस अगर आपने कांचना टू शायद थी, हाँ टू ही थी, जिसमें कि क्या था ना कि वो लोग जाते हैं मूवी बनाने वाले होते हैं, जाते हैं एक पैलेस में, उसमें हॉरर मूवी बना की स्क्रिप्ट होती है, वही बना रहे होते हैं, लेकिन वो जो पैलेस होता है, जो घर होता है, वो सच में हॉरर निकलता है। इसकी भी स्टोरी मुझे वैसी ही सिमिलर टू सिमिलर लग रही है कि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो होगा वो हीरोइन को इमेजिन कराता है, उसको स्टोरी सुनाता है, जैसा कि स्टार्टिंग से शुरू भी होता है कि बेड से इमेजिन यू आर स्लीपिंग एंड आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है तो उठ के जाती है, वो तो एक करके स्क्रिप्ट सुना रहा होता है। लेकिन ये मूवी है, ये एक पैलेस में जाएंगे, कोई घर वर होगा तो वहाँ पे शूट करेंगे हॉरर मूवी, और उसी हॉरर मूवी में लग रहा है कि सच में घोस्ट वगैरह होंगे। और हाँ इसमें कॉमेडी का तड़का है, और हॉरर तो फिलहाल ठीक है, मतलब एवरेज है, और क्या ही बोल सकते हैं। हाँ बाकी यही सब है स्टोरी गाइस, देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया बाकी। हाँ गाइस लास्ट वाला जो सीन है ना, आप कैसे वहाँ पे घोस्ट वगैरह हुए, जो एकदम मतलब लास्ट वाला सीन थोड़ा सा दिखाया था कि एक महिला थी और एक पुरुष था, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा सा सीन था, वो लग रहा है ना वो उसके पीछे की स्टोरी है कि कैसे वहाँ पे लोग घोस्ट बने, अब किसके बीच में लड़ाई होगी, क्या हुआ था उसकी स्टोरी पूरी उस घर की, ये तो मूवी देख के पता चलेगा। बाकी आप लोग बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।